बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस द्वारा अब तक विरोधी दल का नेता नहीं चुने जाने को लेकर तंज कसा है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी 21 दिन बाद तक न लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय कर पाए, न पार्टी की हार का सही कारण तय कर भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले पाए। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद 6 दिन में 57 मंत्रियों का चयन कर लिया। अगले 6 दिनों में रोजगार और निवेश के मुद्दे पर 2 उच्च स्तरीय कैबिनेट समितियों का गठन किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार की दूसरी पारी में तेजी से फैसले लेते हुए संसद के पहले सत्र में आने वाले विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई और सामान्य वर्ग के गरीबों को 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन का लाभ इसी सत्र से देने के लिए 1496 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा कि राहुल गांधी 21 दिन बाद तक न लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय कर पाए हैं और न ही पार्टी की हार का सही कारण तय कर भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला ले पाए। महान मतदाताओं का शत शत आभार जिन्होंने तेज और सही फैसले करने वाली मजबूत सरकार की वापसी सुनिश्चित की। वहीं सुमो ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि भ्रष्टाचार और कालाधन के विरुद्ध एनडीए सरकार ने पिछली पारी में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता करने सहित जो ठोस कानूनी राजनयिक प्रयास किए थे उसका फल है कि स्विस बैंक ने कालाधन जमा कराने वाले 50 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारियां साझा की। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और कालाधन को लेकर राहुल गांधी, लालू प्रसाद और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा।